हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार, आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं चैप्टर 11 केमिस्ट्री का, जिसमें आपको बताएंगे कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल जिस अल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसे अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, देखिए यह अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप है और यह आपका अल्काइल ग्रुप के साथ दूसरा है रिडॉक्सी। क्या है रिडॉक्सी? रिडॉक्सी ग्रुप है, रिडॉक्सी ग्रुप। ध्यान दीजिए, अल्काइल ग्रुप में जब कोई भी रिडॉक्सी ग्रुप जो OH हो, ठीक है, OH रिडॉक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है उसे अल्कोहल बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। ठीक, अब अल्काइल अल्कोहल के प्रकार के बारे में जानते हैं। अल्कोहल, अब देखिए अल्कोहल जो है ना, अब OH के ग्रुप के आधार पर, OH के ग्रुप के संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं लिखते हैं। यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण देखिए, अल्कोहल का वर्गीकरण आसानी तरीके से किया जा सकता है। देखिए अल्कोहल के वर्गीकरण एक नंबर में पहले बताते हैं, जो अब क्या होगा OH ग्रुप के संख्या के आधार पर, OH ग्रुप के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। चलिए इसका ए होगा और वो एक OH ग्रुप जुड़ा रहा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, मोनो मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसमें अल्काइल ग्रुप से केवल एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है, इसमें एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है उसे हम मोनो हाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, ध्यान दीजिए C2H5OH ये हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो गया, इसमें एक है इसलिए, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बताते हैं, जैसे में C3H7OH ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, अब आते हैं अल्कोहल के दूसर का बता रहे हैं, बी नंबर। अब दूसर का डाई हाइड्रिक अल्कोहल, बी होगा क्या, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, यानी संख्या के आधार पर जो अल्कोहल है वह संख्या के आधार पर, यानी OH ग्रुप के संख्या के आधार पर वह चार प्रकार के होते हैं।
एक होता है मोनोहाइड्रिक, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक और चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में जानते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है कि जो ओ इसमें इसमें अल्काइल ग्रुप से दो OH ग्रुप, दो OH ग्रुप जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। चलिए एग्जांपल से जान लेते हैं। CH2OH, इसको 1,2-डाइईथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसका नाम है आपका इथाइल ग्लाइकोल। क्या होगा? इथाइल ग्लाइकोल आप लिख सकते हैं, इथाइल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल हो जाएगा, ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको इथाइल ग्लाइकोल को थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल हो गया, इसको 1,2-डाई अल्कोहल भी बोल, OH डाईऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा का अब आते हैं आपका जो अल्कोहल है सिन में देते हैं, अब होगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए इसमें OH ग्रुप, इसमें तीन OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे में CH2 OH, तो इसका नामकरण हो जाएगा, देखिए 1,2,3 है तो इसका लिख देते हैं प्रोपेन, प्रोप 1,2,3 ट्राई ऑल, ठीक है। तो 1,2,3 ट्राई ऑल भी हो गया, प्रोप 1,2,3 ट्राई ऑल, ठीक है। अब चलिए इसका हो गया, अब आते हैं आपका जो चौथा है वो पॉली, चौथा आपका हो जाएगा डी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, इसमें तीन से अधिक OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, ध्यान दीजिए। अब हो जाएगा ये लिख लेंगे CH2CH CH। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर H हुआ, ठीक है। CH2OH OH OH, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। चलिए ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना है तो बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।